एमपी के शिवपुरी में 5 नवंबर को सुभाषपुरा थाना अंतर्गत आने वाले गांव कलौथरा में सार्वजनिक स्थान पर पानी भरकर लौट रही आदिवासी महिला के साथ हुई छेड़खानी के बाद दबंग लोगों ने एकजुट होकर आदिवासी महिला व उसके परिजनों की बेरहमी से बंदूक की बट व लाठियों से मारपीट कर डाली। घटना में 2 लोगों के हाथ टूट गए, वहीं 4 महिला पुरुष गंभीर घायल हो गए हैं। इस मामले में चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि पुलिस ने आरोपियों का बचाव करते हुए घटना का स्वरूप ही बदल दिया। मामले में छेड़खानी व गंभीर धाराओं में मामला दर्ज न करते हुए सामान्य धाराओं में मुकदमा कायम कर दिया गया। साथ ही जब आदिवासियों पर हमला हो रहा था तो उस समय काफी फोन करने के बाद भी ना तो डायल 100 पहुंची और ना ही थाने से पुलिस उन्हें बचाने पहुंची। इस मामले की शिकायत आज पीड़ित महिला व उसके परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय व सहरिया क्रांति संयोजक संजय बेचैन को की है। पुलिस अधीक्षक को सौंपे आवेदन में आदिवासी महिला ने दी जानकारी। आइए देखते हैं रिपोर्ट में। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। ये हमारे कलौथरा गांव की आदिवासी बहन रामबाई है। ये महिला गत परसों के दिन हैंडपंप से पानी भर के लौट रही थी और जो अपने घर पानी लेकर जा रही थी, तभी रास्ते में ये अपनी मोटरसाइकिल से एक रबड़ धाकड़ करके दबंग व्यक्ति आया और सीटी बजाकर इस महिला का हाथ पकड़ने लगा। जैसे ही ये महिला इधर को हुई तो इसका बर्तन भी गिर गए पानी के और इसने कहा, भैया तुझे तमीजी क्यों कर रहा है। मुझे चिल्लाई तो इनके परिजन वहां से आए कि भैया जी क्या तूने बदतमीजी क्यों कर रहा है। तो आके वो रबड़ धाकड़ बोलता है कि तुम्हारे दिमाग ज्यादा सड़ रहे हैं, क्या कर रहा हूं मैं, चले जाओ, कौन से थाने जाओगे और कौन सी पुलिस और कौन से मंत्री के जाओगे, हम सब देख लेंगे। और आके एकदम इनने कहा कि यार जी बदतमीजी नहीं चलेगी। और आके उनने अपने भाइयों को फोन किया और तीनों चारों को किस तरह से मारा है, इस पे हमला किया, इसके भी चोट आई, फिर इसका हाथ टूट गया है, क्या नाम है मिथुन इसके पति का, इसका भी फ्रैक्चर आया हाथ में दयालु के, और ये गिर क्या नाम है सवाराम के भी पूरे शरीर में चोट के निशान है, ये नारायणी के भी पूरी जांघ पे। इस तरह से इनने दबंग करके 5-7 की संख्या में ये दबंग लोग आए और इनको मारा पीटा। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब इन्होंने इस बात की शिकायत के लिए डायल 100 पर फोन किया तो कोई रिस्पांस नहीं, डायल 100 वहां पर नहीं पहुंची। थाने फोन किया तो थाने से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद इनके पास फिर से हमला किया, इनके घरों के पास जाकर उन सब ने इतनी बदतमीजी की कि इन गरीब आदिवासियों के निवास पर जाके थूका और इनको गालियां वहां पर भी देके आए, जिससे कि गांव में दहशत का माहौल बन जाए। उसके बाद आप देखिए पुलिस ने सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है, इनका एक्सरे तक कराया नहीं है। ये आ रहे थे यहाँ पुलिस अधीक्षक तक शिकायत करने तो इनको वापस किया कि इधर कोई भी नहीं जाएगा, आप सब लोग वापस जाइए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।